बसपा मुखिया मायावती ने पहली बार अपने सपा और बसपा के गठबंधन टूटने का आरोप अखिलेश यादव पर लगाया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने बसपा नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। इसकी वजह से उन्होंने पार्टी के सम्मान के लिए सपा से गठबंधन तोड़ा था। आगामी यूपी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा ने एक 59 पेजों की बुकलेट छाप पाई है। आपको बता दें कि बुकलेट कार्यकर्ताओं को इसलिए दी जा रही है ताकि कुछ सालों में मायावती के अहम फैसलों के पीछे की वजह बताई जा सके। इसमें बताया जा रहा है कि बसपा ही दलितों की सबसे बड़ी हितैषी है। मायावती ने सपा के साथ गठबंधन टूटने की वजह का खुलासा भी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पार्टी को 10 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई थी। मायावती का कहना है कि चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव ने फोन उठाना ही बंद कर दिया था। इसके बाद पार्टी का स्वाभिमान बचाने के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था। हालांकि मायावती के इस आरोप पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी खंडन करते हैं। उनका कहना है कि उनके नेता अखिलेश यादव गठबंधन का धर्म बहुत अच्छे से निभाते हैं। बुकलेट में गेस्ट हाउस कांड पर भी दुख जताया गया है। बुकलेट में मायावती ने साफ किया कि गेस्ट हाउस कांड के बावजूद क्यों पर समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी की पुरानी गलतियों को भुलाकर दोबारा मौका देने की बात की थी। उन्होंने अपने समर्थकों से सपा के पीडीए से सावधान रहने को कहा। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें यूपी की 80 सीटों में से सपा ने 37 तो बसपा ने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। अलावा 3 सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने चुनाव लड़ा था। रायबरेली अमेठी की सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन चुनाव परिणाम में 10 सीटों पर बसपा और 5 सीटों पर सपा जीत गई थी। लेकिन मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम भरा और सभी सीटों पर लड़ी और सारी सीटें हार गईं। बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा हमलावर बसपा प्रमुख मायावती ही हैं। जानकारों के मुताबिक बात करें तो दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर अमेरिका में दिए गए बयान को बसपा ने लपक लिया है। वो अब इसे अपने चुनाव में इस्तेमाल करके अपने वोटर को जागरूक करेंगी। पार्टी इसको यूपी विधानसभा उपचुनाव में भी मुद्दा बनाएगी। दरअसल मायावती उपचुनावों से दूरी रखती हैं। बीते कुछ चुनावों में जिस तरह से बसपा का ग्राफ नीचे गिरा है, उसको लेकर पार्टी लगातार चिंतित है। इसी साल हुए लोकसभा के चुनावों में जो नतीजे आए, उससे तो पार्टी को अपनी पूरी सियासी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। इसी कड़ी में अब पार्टी ने तय किया था कि बसपा अपने पुराने वाले स्वरूप में वापस आएगी। बुकलेट के माध्यम से इस बात का भी एहसास कराया गया है कि मायावती ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर समाज का उत्थान करेंगे। आपको बता दें कि मायावती को इस बुकलेट में आयरन लेडी कहकर के संबोधित किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।